दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। हम जानेंगे जॉइंट्स होते क्या हैं, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और जॉइंट्स का मेन फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स होते क्या हैं। जॉइंट्स हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में आकर के मिलती हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आपने ह्यूमन स्केलेटन देखा होगा, आप जानते होंगे हमारे स्केलेटन में टोटल 206 बोन्स होती हैं। हमारा स्केलेटन सिर्फ एक बोन तो नहीं होता, बहुत सारी बोन से मिलकर के बना हुआ एक स्ट्रक्चर स्केलेटन होता है। तो उस स्केलेटन में जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिल रही हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको जॉइंट्स क्या होता है। हमारे स्केलेटल सिस्टम का वो पार्ट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में आकर के मिल रही हैं, उसे हम जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, विदाउट जॉइंट्स दोस्तों हम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हमें रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, तो क्या होता है, हमारा जो नी जॉइंट है वो क्या होता है, बेंट होता है। अगर वो बेंट होना बंद करते तो क्या होगा, हम रनिंग कर पाएंगे। इमेजिन करिए, अगर हमारी बॉडी में से एल्बो जॉइंट को हटा दिया जाए तो हम कोई चीज़ लिफ्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। हमारी पूरी बॉडी में से अगर एक भी जॉइंट ना बचे तो क्या होगा, हम एक स्टैचू की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे हम। ठीक है, तो ये है जॉइंट्स की सिग्निफिकेंस, जॉइंट्स हेल्प करते हैं हमारे मूवमेंट में। तो यहाँ तक हमने समझा जॉइंट्स होते क्या हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और हमने ये भी समझा कि जॉइंट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराना होता है। हालांकि कुछ ऐसे भी जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो बिल्कुल भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन फिर भी वो जॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। जॉइंट्स को मेनली दो बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और मोबिलिटी। जॉइंट्स तीन टाइप के होते हैं। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो थ्री टाइप्स के जॉइंट्स के नाम हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और सिनोवियल जॉइंट। कुछ लोग सिनोवियल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट भी पढ़ते हैं, वैसे जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वो सिनोवियल ही है, लेकिन अगर आप साइनोवियल पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से जॉइंट के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जॉइंट्स के तीन टाइप हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या क्या नाम है इनके, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और सिनोवियल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट। इन्हीं तीन टाइप के जॉइंट्स को अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं। मैंने स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ और नाम बताए हैं आपको, अब यही नाम फंक्शनल क्लासिफिकेशन में चेंज हो जाएंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में फाइब्रस जॉइंट को हम बोलते हैं सिनार्थ्रोसिस या इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, उन्हीं जॉइंट्स की बात की जा रही है लेकिन उनके नाम चेंज हो गए हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट को फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं एम्फियार्थ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इसी तरह से सिनोवियल जॉइंट को या साइनोवियल जॉइंट को हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं डायआर्थ्रोसिस या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक ही टाइप के जॉइंट के अलग अलग नाम बताए हैं, एक नाम बताया है मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और दो दो नाम बताए हैं मैंने उनके फंक्शन या मोबिलिटी के अकॉर्डिंग। मोबिलिटी मतलब वो किस तरह से मूव करते हैं, उनमें जो मूवमेंट होती है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक नाम ध्यान रखेंगे और एक नहीं रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में एक नाम दे दिया जाता है और आपको दूसरा वाला नाम पता है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन से जॉइंट की बात चल रही है। ठीक है, तो तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। अब इन तीनों टाइप के जॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फाइब्रस जॉइंट्स की। फाइब्रस जॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके दो और नाम हैं, सिनार्थ्रोसिस या इमूवेबल जॉइंट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इमूवेबल मतलब इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, ये कम्प्लीटली इमूवेबल होते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं दोस्तों, उनमें बिल्कुल भी कैविटी नहीं होती है। कैविटी का मतलब है स्पेस, दो जॉइंट्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है,
वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से टच हो रहे होते हैं। जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इस टाइप का फाइबर होता है जो कि डेंस कनेक्टेड टिश्यू होता है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा सूचर जॉइंट्स। सूचर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं हमारे स्कल में। स्कल की जो क्रैनियल बोन्स होती हैं, हमारी ब्रेन वाली बोन जो कि मैंने पिक्चर में शो कर रखा है, इसमें सूचर्स होते हैं। सूचर्स के बीच में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गैप नहीं है, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट एट ऑल, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस कौन से जॉइंट्स होते हैं? जो हमारे टीथ में होते हैं, हमारे जो गम होते हैं, मसूड़े, दांत हमारे हिलते नहीं है ना। क्यों नहीं हिलते? क्योंकि वहाँ के जो जॉइंट हैं, हमारे टीथ के जो जॉइंट हैं, वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कोई भी मूवमेंट उनमें नहीं होता है और उन जॉइंट्स में बिल्कुल भी कैविटी भी नहीं होती है ना। तो ये चीज आप समझ गए फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप के जॉइंट्स की, जिसे बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट के दो नाम और हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। क्या क्या नाम है रिकॉल कर लेते हैं? एम्फियार्थ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्लाइटली मूवेबल मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें मूवमेंट हो पा रहा है, जबकि ऊपर जो हमने पढ़ा था फाइब्रस जॉइंट में, वहां पर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है, पॉसिबल है इसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट। दूसरी बात, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, कैविटी होती है उनके बीच, जबकि हमने ऊपर पढ़ा था फाइब्रस जॉइंट्स में बिल्कुल भी कैविटी नहीं होती, वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट टच हो रहे होते हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट के बीच में थोड़ी सी कैविटी होती है, थोड़ा सा स्पेस होता है। और तीसरी बात, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है जिससे वो अटैच होते हैं एक दूसरे से, वो क्या होता है? वो कार्टिलेज होते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे वर्टेब्रल कॉलम के जॉइंट्स। आपने इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बारे में पढ़ा होगा, वो किससे बने हुए होते हैं? कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। तो जॉइंट्स के बारे में, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में कनेक्ट होती है उसे हम जॉइंट बोलते हैं। तो हमारा जो वर्टेब्रा है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उन सभी बोन्स के बीच क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में थोड़ा थोड़ा जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है, थोड़ा सा स्पेस भी होता है उसके बीच। अगर आपने मेरी कार्टिलेज वाली वीडियो देखी है तो वहां भी मैंने इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, वहां भी आप समझ सकते हैं। और एक दूसरा अच्छा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम, हमारे रिब केज के जॉइंट्स। हमारे रिब केज के जो जॉइंट्स होते हैं वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो उसमें हमारे रिब केज का भी एक रोल होता है, उसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट होता है, वो स्ट्रेच होता है थोड़ा सा, उसके बाद वापस सेम पोजीशन में चला जाता है, फिर स्ट्रेच होता है, फिर सेम पोजीशन में चला जाता है। तो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? इस वजह से पॉसिबल होता है क्योंकि वहां पर कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के जॉइंट्स की, जो है सिनोवियल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट। इसके मैंने आपको दो नाम और बताए थे, रिकॉल कर लेते हैं, डायर्थ्रोसिस या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब नाम से ही बिल्कुल पता चल रहा है, फ्रीली मूवेबल मतलब बिल्कुल पूरी तरह से इसमें मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल आसानी से। जो सिनोवियल जॉइंट होते हैं उनके बीच में कैविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्टिलेजिनस जॉइंट, बीच में ज्यादा स्पेस होता है, और वो जो स्पेस होता है उनके बीच में सिनोवियल फ्लूड होती है, जिसकी वजह से बहुत ही स्मूथली एक दूसरे के ऊपर हमारी जो बोन्स हैं वो स्लाइड कर पाती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट और भी इजी हो जाता है। तो सिनोवियल फ्लूड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कैविटी ज्यादा होती है मतलब स्पेस ज्यादा होता है, पूरी तरह से मूवेबल होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिनोवियल जॉइंट के। इसके अलावा सिनोवियल जॉइंट को भी सब डिवाइड किया गया है छह अलग अलग कैटेगरीज में, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेडल जॉइंट, एलिप्सॉइड या कॉन्डेलॉइड जॉइंट, प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये सिक्स टाइप्स के जॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए, ये सब डिवीजन है सिनोवियल जॉइंट्स के, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं फिजिकल एडुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में। जब भी हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिनोवियल जॉइंट से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और आपको पता है जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स ही हमारे सबसे काम आते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट एक बिल्कुल सिंपल जॉइंट है, ये यूनिएक्सियल जॉइंट होता है। यूनिएक्सियल जॉइंट का मतलब है इसमें जो मूवमेंट होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। इसका एग्जाम्पल है हमारे एल्बो जॉइंट और हमारी नी जॉइंट। आपने देखा होगा हमारा एल्बो जॉइंट किस तरह से मूव करता है, उसमें सिर्फ फ्लेक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है,
इसी तरह से हमारा नी जॉइंट भी उसमें फ्लेक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है। आपने देखा होगा आपके रूम का डोर कैसा होता है, उसमें हिंजेस लगे होते हैं, मतलब कब्जे लगे होते हैं दरवाजे के अंदर, तो उसे जैसे आप दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं, तो सेम उसी तरह से हमारे एल्बो जॉइंट और हिंज जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। हिंज जॉइंट का एक अच्छा एग्जाम्पल और है हमारे फेलेंजेस, मतलब हमारी जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स की जो बोन्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फेलेंजेस। तो फेलेंजेस के बीच वाले जो जॉइंट्स होते हैं, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, वो भी हिंज जॉइंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो भी यूनिएक्सियल जॉइंट ही हैं, मतलब एक प्लेन में मूवमेंट करने वाले जॉइंट। ठीक है, तो ये बात की हमने हिंज जॉइंट की। नेक्स्ट है पिवट जॉइंट, इसे हम रोटरी जॉइंट भी बोलते हैं। पिवट जॉइंट जो होते हैं वो कैसे मूवमेंट अलाउ करते हैं, वो अलाउ करते हैं रोटरी मूवमेंट, मतलब ऐसा मूवमेंट जो कि रोटेशन में हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, हमारी जो नेक होती है उसमें क्या होता है, हमारी जो नेक होती है हम उसे साइड टू साइड मूवमेंट कर पाते हैं इजीली, तो ये क्या है, रोटरी मूवमेंट है, रोटेशन हो रही है इस वाले मूवमेंट में। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है हमारी रेडियो अल्नर जॉइंट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी जो फोर आर्म में दो बोन होती है, कौन कौन सी बोन होती है, रेडियस और अल्ना। अब रेडियस और अल्ना का जो टॉप वाला पार्ट होता है जिसे हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो बॉटम वाला पार्ट होता है जिसे हम डिस्टल बोलते हैं, तो वहां पर रेडियस और अल्ना बोन जहां पर अटैच हो रही है उसे बोलते हैं हम रेडियो अल्नर जॉइंट। उसमें क्या होता है, रेडियो अल्नर जॉइंट में आपने देखा होगा सुपिनेशन प्रोनेशन हमारे फोर आर्म में इजिली हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है पिवट जॉइंट की वजह से। तो इसके मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए हैं, एक हमारे नेक वाले जॉइंट, जो हमारे सर्विकल अपर के जो दो सर्विकल जॉइंट्स हैं इनकी वजह से हमारे नेक में रोटेशन हो सकता है, तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया है हमारी रेडियो अल्नर जॉइंट्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी फोर आर्म में होते हैं, जिनकी वजह से कौन सा मूवमेंट हो पाता है पॉसिबल, जिनकी वजह से हमारी आर्म में सुपिनेशन और प्रोनेशन वाला मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया हिंज जॉइंट के बारे में, मैंने आपको बताया पिवट जॉइंट के बारे में, अब नेक्स्ट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जिसका जो एंड होता है वो बॉल के तरह होता है, और एक सॉकेट होता है जिसमें वो जाकर के फिट होती है। ये जो जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में भी अगर सबसे ज्यादा मूवमेंट को अलाउ कोई जॉइंट करता है तो वो कौन सा जॉइंट होता है, वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट मल्टी एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऊपर जो दो जॉइंट्स मैंने आपको बताया हिंज जॉइंट और पिवट जॉइंट, ये कैसे मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये यूनिएक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही एक्सिस में इनके मूवमेंट हो रहे हैं, जबकि बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा जॉइंट है जहां पर मल्टी एक्सियल मूवमेंट हो सकते हैं, पॉसिबल है मल्टी एक्सियल मूवमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे शोल्डर जॉइंट्स और हमारे हिप जॉइंट्स। हमारे शोल्डर में जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे जॉइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में शो कर रखा है। तो आप शोल्डर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, शोल्डर की हेल्प से आप फ्लेक्शन कर सकते हैं, शोल्डर की हेल्प से आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, शोल्डर की हेल्प से आप रोटेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी मूवमेंट्स होते हैं सारे के सारे मूवमेंट हम अपने शोल्डर से कर पाते हैं। हम अपने हिप से भी सारे मूवमेंट कर पाते हैं, रोटेशन वाले मूवमेंट हम कर सकते हैं, हम फ्लेक्स कर सकते हैं वेस्ट को, हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मूवमेंट किस वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे टाइप के जॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो जॉइंट है हमारे, वो है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कैसे होते हैं, सैडल जॉइंट में जो बोन्स होती हैं वो एक बोन होती है कॉनकेव और एक बोन होती है कॉन्वेक्स। जिस तरह से आपने देखा होगा हॉर्स की बैक पर जो सीट होती है वो किस टाइप से होती है, वो कॉनकेव शेप में होती है, और जब हम उस पर जाकर के बैठते हैं तो हम किस टाइप से बैठते हैं, हम कॉन्वेक्स शेप में एक तरह से बैठते हैं। ये समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो इसी वजह से जो हॉर्स की बैक पर सीट होती है उसे हम सैडल बोलते हैं। सेम उसी तरह से सैडल जॉइंट भी होता है इसका अपीयरेंस। ठीक है, सैडल जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है जहां पर कार्पल और मेटाकार्पल बोन आकर के मिल रही है हमारे थंब वाले रीजन में। इसी जॉइंट की वजह से हमारे थंब में कई सारे मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाते हैं। और सैडल जॉइंट कैसे होते हैं, बाई एक्सियल जॉइंट होते हैं, मतलब वो दो एक्सिस पर मूवमेंट अलाउ करते हैं। जबकि अभी मैंने पीछे जो तीन जॉइंट्स के बारे में बात की है, मैंने हिंज जॉइंट और पिवट जॉइंट के बारे में बात की, ये यूनिएक्सियल हैं। मैंने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात की, ये मल्टी एक्सियल हैं, मतलब ये दो से भी ज्यादा एक्सिस मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो मैंने चौथा आपको बताया है सैडल जॉइंट, ये बाई एक्सियल हैं, ये दो एक्सिस पर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें कौन सा मूवमेंट नहीं होता है, इसमें रोटेशन मूवमेंट पॉसिबल नहीं है,
और इसके अलावा जितने भी मूवमेंट्स हैं वो इसमें हो सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सरकमडक्शन भी हो सकता है, लेकिन रोटेशन नहीं हो सकता। जबकि इससे पिछला जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मैंने उसमें बताया कि उसमें सारे मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, लेकिन इसमें सैडल जॉइंट में सारे मूवमेंट्स पॉसिबल हैं एक्सेप्ट रोटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एलिप्सॉइड जॉइंट या कोंडाइलॉइड जॉइंट। इसके दो नाम है, दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, एलिप्सॉइड या कोंडाइलॉइड जॉइंट। ये भी बायएक्सियल जॉइंट ही होते हैं, लेकिन इनमें भी रोटेशन नहीं हो पाती है। अगर इनके अपीयरेंस की बात की जाए एलिप्सॉइड जॉइंट की या कोंडाइलॉइड जॉइंट की, तो कैसे होते हैं देखने में, देखने में ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही होते हैं। लेकिन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या था, जो बॉल थी वो स्फेरिकल शेप में थी, जबकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ी ओवल शेप में हो गई है। हमारी जो एक सिलेंड्रिकल बोन का एंड है वो ओवल शेप में हो गया है, जिसकी वजह से इसमें रोटेशन नहीं हो पाता है। इसमें सर्कमडक्शन हो सकता है और दूसरे मूवमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन रोटेशन नहीं हो सकती है इसमें। इसका एग्जाम्पल है हमारे रिस्ट के जॉइंट। रिस्ट में जो हमारी रेडियो कार्पल जॉइंट होती है, मतलब हमारी रेडियस और हमारे कार्पल के बीच वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से जॉइंट होते हैं, वो होते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट। ठीक है, तो ये आप समझ जाएं एलिप्सॉइड जॉइंट या कोंडाइलॉइड जॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा और लास्ट है प्लेन जॉइंट्स या ग्लाइडिंग जॉइंट। प्लेन या ग्लाइडिंग, नाम से ही पता चल रहा है, ग्लाइडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर इजीली ग्लाइड करने वाले, फिसलने वाले, या प्लेन मतलब प्लेन, उनका सरफेस प्लेन है। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कार्पल या टार्सल, जैसे कि हमारी एंकल की बोन्स, हमारे रिस्ट की बोन्स, उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर सकते हैं और सरफेस भी उनका बिल्कुल प्लेन होता है। तो एग्जांपल मैंने आपको दो बता दिए हैं, कार्पल बोन जो कि हमारे रिस्ट में प्रेजेंट हैं और टार्सल बोन जो कि हमारे एंकल में प्रेजेंट हैं। ये बिल्कुल प्लेन होते हैं सरफेस इनका और इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 टाइप्स के मैंने आपको सिनोवियल जॉइंट्स बताए हैं। सिनोवियल जॉइंट दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल एजुकेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस वजह से सिनोवियल जॉइंट्स पर मैं अलग से थोड़ी और डिटेल में एक वीडियो लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको जॉइंट्स के टाइप बता दिए हैं और मेन मेन पॉइंट्स बता दिए हैं जो कि आपको जॉइंट्स के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।